हाथरस के कोतवाली चंदप्पा क्षेत्र के गांव शहजादपुर निवासी एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। इस महिला का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। उसे परिवार के लोग जिला अस्पताल लेकर आए, वहां उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, हाथरस के कोतवाली चंदप्पा क्षेत्र के गांव शहजादपुर निवासी सत्येंद्र की 35 वर्षीय पत्नी नीलम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार के लोग उसे आनन-फानन में उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर आए, वहां नीलम को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद ये लोग उसके शव को वापस अपने साथ गांव ले गई। इसी बीच इसकी जानकारी कुछ लोगों ने पुलिस को दे दी। सूचना मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंच गई। मायके पक्ष के लोग भी आ गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका ने अपने पीछे दो बच्चों को छोड़ा है। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम बाबा आपका? ये खत्म हुई कौन है आपकी? भतीजे। कैसे, क्या हुआ, कुछ पता चला? अब चिक्का वाले में कैसे बताया? अच्छा, क्या नाम था इनका? नीलम। नीलम, पति का क्या नाम था? धीरज। धीरज कहाँ के रहने वाले थे? सजा थाना कौन सा पड़ता है? चंपा। इनका मायके कहाँ था? टुकसन। जो हाथरस गेट पड़ता है। कितनी उम्र हो गई इनकी लगभग? 35 साल। बच्चे भी थे क्या? दो बच्चे।